दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलईडी ट्यूबलाइट 20 वाट की है, आप ये देख रहे हैं 20 वाट की ट्यूबलाइट है, इसको लगाना बताएंगे और इसमें जो है क्या क्या निकलता है अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये अनबॉक्सिंग किया और इसकी रोशनी अच्छी होती है, ये पूरा गिर जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और बहुत कम कीमत में मिलती है। 180 रुपये की ट्यूबलाइट है ये किसी भी कंपनी के लिए। इसके साथ में आपके ये क्लिप निकलेंगी और गुल्ली निकलेंगी, पेंच भी निकलेंगे, ये सब इसमें लगाने होते हैं। कैसे लगाएंगे ये सामने दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में हम लगाने जा रहे हैं और ड्रिल मशीन भी नहीं है, बिना ड्रिल मशीन के लगाना है और हम प्लास पेचकस की सहायता से इसको लगाएंगे, ये आपको हम बताते हैं। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये क्लिप इसकी जो होती है कि इस तरीके से कुछ है और ये हम दीवार में ऐसे फिट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ ये पकड़ लेगी इस तरीके, निकालना है ऐसे निकल जाती है। इस तरीके इसको लगाते हैं। ये देखिए ट्यूबलाइट ऐसे रख लेते हैं और बिल्कुल सीधा देख लेते हैं, और अगर सीधा देख लिया, सीधा देखने के बाद दो जगह निशान लगा, दो जगह निशान लगा देते हैं यहाँ पे और ऊपर से ऐसे निशान लगा लेते हैं कुछ दूरी पे, दो जगह इस तरीके से दो जगह निशान लगा देंगे। और उसके बाद ये इसके बीचों बीच में छेद कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है, सिर्फ प्लास है और पेचकस है जिसकी सहायता से हम इसको लगाएंगे। कैसे करते हैं, ये मारते चले जाएंगे, ये छेद होता चला जाएगा, इस तरीके से छेद कर लेंगे हम। ये हिस्सा बाहर होना चाहिए, फंसेगी ट्यूबलाइट ना, इसलिए ये वाला, और इसमें लगा के टाइट कर देंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। इस तरीके से इसको टाइट कर देते हैं और ये क्लिप देखिए टाइट हो गई, दोनों तरफ क्लिप टाइट हो गई। और उसके बाद ट्यूबलाइट को हम फंसा देते हैं ये इस तरीके से, बिल्कुल बीचों बीच में देख करके। और ये देखिए ये फंस गई, ये ट्यूबलाइट फट जाती है। अब इसके कनेक्शन करते हैं, सीलिंग रोज को खोल लेते हैं। सबसे पहले सीलिंग रोज को खोल करके और इसमें इधर से तार डाल देते हैं इसको और इसके कनेक्शन करते हैं। अब देख लेते हैं स्विच बंद है कि नहीं बंद है। सबसे पहले स्विच बंद कर दें, स्विच बंद है और इसको जो है स्विच बंद कर देते हैं। उसके बाद इसको ये छेद है, इस छेद के रास्ते से इसको डालेंगे, ये डाल के ये निकाल दिया और यहाँ पे इसको हम बांध देंगे। इसी पेच में ऐसे टाइट करने का बना होता है, ये तार यहाँ से अंदर से निकाल के ये डाल दिए इसमें बांधे। और ये कोई किसी में हो जाए, दाहिने बाएं हो जाए, लाल काला पीला, ऐसे कोई मतलब नहीं। फिर इसी ढक्कन को वैसे बांध देते हैं इस तरीके से जैसे खोले थे, ये देखिए वैसे ही टाइट हो जाता है। बीच से निकालें इसलिए ये आराम से टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से फिट करके सीलिंग रोज बांध दिया। बांधने के बाद ट्यूबलाइट को स्विच खोलते हैं इस तरीके से, स्विच को खोलेंगे और ये देखिए जल गई। इस तरीके से आप अपने घर पे बिना इलेक्ट्रिशियन के आप अपनी ट्यूबलाइट फिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।